ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಹೇಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅವರ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಂದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ದಂತೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ರನ್ ವೇ ರೆಡಿ ಇದೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಪುಲವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಿವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇ ಅದ್ಭುತ ರಿಶ್ತಾ ಥೇ अपने जीवन काल में कर्नाटका और इस क्षेत्र की कई यात्राएं की थी बंगलुरु जाते समय वो हुबली धारवाड़ भी आए थे इन यात्राओं ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी मैसूरू के महाराजा भी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो यात्रा में उनकी मदद की थी स्वामी जी का भारत भ्रमण इस बात का भी प्रमाण है कि कितनी ही सदियों से हमारी चेतना एक थी एक राष्ट्र के रूप में हमारी आत्मा एक थी ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का अमर उदाहरण है स्वामी विवेकानंद जी का कर्नाटका से अद्भुत रिश्ता था उन्होंने अपने जीवन काल में कर्नाटका और इस क्षेत्र की कई यात्राएं की थी बंगलुरु जाते समय वो हुबली धारवाड़ भी आए थे इन यात्राओं ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी मैसूर के महाराजा भी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो यात्रा में उनकी मदद की थी स्वामी जी का भारत उठो जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको एली देली, गुरु मटवातन का नि दिली विवेकानंद जी का, का यह उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है आज अमृतकाल में हमें अपने कर्तव्यों पर जोर देते हुए अपने कर्तव्यों को समझते हुए देश को आगे बढ़ाना है उठो जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको एली देली, गुरु मटवातन का नि दी विवेकानंद जी का यह उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है आज अमृतकाल में हमें अपने कर्तव्यों पर जोर देते हुए अपने कर्तव्यों को समझते हुए देश को आगे बढ़ाना है उठो